कोरोना महामारी में संक्रमित मरीजों के इलाज में लगे कोरोना वॉरियर्स की ड्यूटी के दौरान हुई मौतों को लेकर आज मुरादाबाद के जिला अस्पताल परिसर में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ ने 2 मिनट का मौन रखते हुए दिवंगत आत्माओं को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते प्रदेश की योगी सरकार से मुआवजे की मांग की है। दरअसल पिछले 1 साल में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज करते हुए मुरादाबाद मंडल में आधा दर्जन से अधिक डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की मौत हो चुकी है, जिसे लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर से जुड़े मेडिकल स्टाफ ने आज जिला अस्पताल परिसर में कोरोना काल में मृतक डॉक्टर्स के फोटो लगा बैनर लगाकर श्रद्धांजलि अर्पित की और एक शोक सभा करते हुए अपने विचार रखे। मृतकों के फोटो लगाकर उनके सामने मोमबत्ती लगाकर 2 मिनट का मौन रखा गया। कर्मचारी मोर्चा से जुड़े संदीप बडोला ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना मरीजों की सेवा में लगे स्टाफ के लिए योगी सरकार ध्यान नहीं दे रही है, सरकार मृतकों को मुआवजा भी जारी नहीं कर रही है। किशन लाल जी की पत्नी और उनके परिवार के लोग, भाई सुनील और उनके परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने खोया है। मैं स्वयं उसमें शामिल हूँ कि मैंने भी अपनों को खोया है कोरोना काल में। उस पीड़ा को, उस दर्द को वही व्यक्ति समझ सकता है। सरकार पूरी तरह से असंवेदनशील है। सरकार ने आपको काम में झोंक रखा है और ऐसे समय में जब लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, अपने दरवाजे की चौखट नहीं लांग रहे हैं, तो हमारे विभाग के यही कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग के अन्य विभागों के वो कर्मचारी जो सरकार के निर्देशों पर अपनी जान जोखिम में डालकर, अपनी जान हथेली पर लेकर 6-6 घंटे 8-8 घंटे पीपी किट पहनकर कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। तमाम नॉन कोविड अस्पताल में हमारे कर्मचारी साथी अपनी जान को जोखिम में डालकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं, खुद संक्रमित हो रहे हैं, उनके परिवार के लोग संक्रमित हो रहे हैं, वो खुद शहीद हो रहे हैं, उनके परिवार के लोग शहीद हो रहे हैं। और ऐसे समय में जब सरकार को उन तमाम कर्मचारियों के लिए कुछ करना चाहिए था जो दिवंगत हुए, जो अपनी जान हथेली पर लेकर सरकार के निर्देशों पर जनता की सेवा कर रहे हैं, तो वो काम भी सरकार ने नहीं किया। कोरोना के मरीजों का इलाज के दौरान मृत्यु होना सरकार का आदेश है कि प्रत्येक कोरोना वॉरियर की अगर जिसकी मृत्यु होती है उसके परिवार के लोगों को 50 लाख अनुग्रह राशि सरकार प्रदान करेगी। इस पूरे प्रदेश में सैकड़ों कर्मचारी और अधिकारी शहीद हुए। इस मुरादाबाद में 7 अधिकारी और कर्मचारी शहीद हुए मात्र मुरादाबाद जिले में। आपके सामने ये फोटो लगी है, कितनी कम उम्र के वो बच्चे इस कोरोना महामारी में, चिकित्सक, स्टाफ नर्सेस, कर्मचारी, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, चतुर्श्रेणी कर्मचारी, कोरोना काल में कोरोना ड्यूटी करते हुए जो कर्मचारी पूरे प्रदेश में शहीद हुए, उन कर्मचारियों को श्रद्धांजलि देने का राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने निर्णय लिया। प्रदेश के प्रत्येक जनपद में कोरोना काल में शहीद हुए कर्मचारी को आज श्रद्धांजलि दी गई। उसी के तहत मुरादाबाद जनपद में कोरोना में संक्रमित और उसके बाद शहीद हुए कर्मचारी को, हमारे 7 कर्मचारी हमारे मुरादाबाद जनपद में इस कोरोना काल में शहीद हुए हैं, आज उनको श्रद्धांजलि दी गई। और इस श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन भेजा गया कि केंद्र सरकार के शासनादेश के तहत प्रत्येक शहीद परिवार के परिजनों को 50 लाख की अनुग्रह राशि प्रदान की जाए, क्योंकि विडम्बना है कि आज तक पूरे प्रदेश में जितने भी कर्मचारी कोरोना काल में हुए हैं तो उनके किसी परिवार को भी अब तक 50 लाख की अनुग्रह राशि प्रदान नहीं की गई है। तो आज माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से अपील की गई है कि जो भी कर्मचारी कोरोना ड्यूटी करते हुए शहीद हुए हैं उनके परिवार को 50 लाख की अनुग्रह राशि प्रदान की जाए, उनके एक एक आश्रितों को सरकारी सेवा में नौकरी दी जाए और उनके जो समझदेयकों का भुगतान उनको अतिशीघ्र किया जाए। क्योंकि ये विडम्बना है कि इस प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी और अन्य तमाम विभागों के कर्मचारी जो कोरोना में ड्यूटी कर रहे हैं, सरकार के निर्देशों के साथ अपनी जान हथेली पर रखकर कोविड अस्पतालों में ड्यूटी कर रहे हैं, नॉन कोविड अस्पतालों में ड्यूटी कर रहे हैं, संक्रमित खुद हो रहे हैं, उनके परिवार के लोग संक्रमित हो रहे हैं। मुरादाबाद में जिस कर्मचारी की मृत्यु हुई वो एक संक्रमित मरीज के प्लास्टर करने पर खुद संक्रमित हुए और उसके पश्चात उनका देहांत हुआ। तो ऐसे तमाम कर्मचारी
जो रात दिन अपनी जान हथेली पर रख कर काम कर रहे हैं, 6-6, 8-8 घंटे पीपीई किट पहनकर इस गर्मी के मौसम में काम कर रहे हैं, उन कर्मचारियों के साथ यदि इस प्रकार की दुर्घटना हो रही है तो उनको यदि वो पॉजिटिव संक्रमित हो रहे हैं उनके लिए इलाज के लिए कहीं किसी प्रकार की अलग व्यवस्था नहीं है, जबकि सरकार को चाहिए था कि जो सरकार जो कर्मचारी कोविड मरीजों का इलाज कर रहे हैं उनके अस्पताल उनके चिकित्सालय में उनके इलाज के लिए समुचित और अलग से व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए, लेकिन ऐसी कोई भी व्यवस्था पूरे प्रदेश के किसी भी अस्पताल में नहीं है। आज ये मांग सरकार से की गई। लगभग कितने मेंबर हैं जो मुरादाबाद के, जिनकी जो है 7 कर्मचारी मुरादाबाद में, 7 अधिकारी कर्मचारी, हमारे चिकित्सक, हमारे फार्मेसिस्ट स्टाफ, नर्सेज, लैब टेक्नीशियन, चतुर्श्रेणी कर्मचारी, जिनकी इस कोरोना काल में अप्रैल 2020 के बाद मृत्यु हुई है। तो सरकार का कहना है लगातार कि वो जो ऐसे लोग हैं उनके परिवार तक जो है मदद पहुंचा रही है। आज तक पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी कर्मचारी को जो कोरोना काल में उसकी मृत्यु हुई है उसको 50 लाख की अनुग्रह राशि नहीं दी गई। आप पूरे उत्तर प्रदेश के संयुक्त मोर्चे के? हाँ, मैं उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का चेयरमैन संघर्ष समिति हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग कितने लोगों की ऐसे डेथ हुई? उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में कम से कम मैं समझता हूँ 700-800 करीब 600-700 लोगों की मृत्यु हुई होगी, लेकिन कहीं अभी तक किसी को अनुग्रह राशि नहीं मिली। अगर ये नहीं, इस पर अभी कोई कार्रवाई? आज हमने एक शांतिपूर्वक श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से प्रदेश के प्रधान मुख्यमंत्री से और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से अपील की है। इसके बाद भी यदि इसमें कोई व्यवस्था नहीं बनती है तो निश्चित रूप से राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद इसमें आगे भी कोई ना कोई रणनीति तैयार करेगा।